वारिस पठान के मीरा रोड आने पर रोक, नया नगर पुलिस स्टेशन ने थमाया 149 का नोटिस। मैं मीरा रोड जाकर ही रहूंगा, कमिश्नर से करूंगा मुलाकात, माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश, वारिस पठान का जवाब। अगर मुसलमान राजनीति में ना उतरे और सही नेता को वोट ना दे तो भविष्य में हमें नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है, अबू आजमी ने मुंबई के कुर्ला में दिया बड़ा बयान। अमरनाथ में पानी की मोटर चुराने के संदेह में दो लोगों की पीट पीट कर हत्या, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। उद्धव सेना की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि बाला साहेब के विचार की प्रॉपर्टी चाहिए, एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर महाधिवेशन में ललकारा। राहुल गांधी भाजपा में जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर किया हमला। उद्धव ठाकरे का एक ही लक्ष्य, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, अमित शाह का ठाकरे परिवार पर वार। सभी मुसलमान जल्द से जल्द अपना नाम वोटर लिस्ट में कराए दर्ज, कुर्ला में अबू आसिम आजमी की अपील, कहा देश की हालत खराब, यूजीसी मुसलमानों के खिलाफ। मुंबई से सटे थाने में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार। मुंबई में 95,000 आवारा कुत्ते, बीएमसी ने लिया बड़ा फैसला, 70% कुत्तों का टीकाकरण करने का निर्णय। 20 मई 2022 को शिंदे वर्षा बंगले पर आकर रोए थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नकल करते हुए आदित्य ठाकरे का हमला। मुंबई के बोरीवली में आज होगा रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन, सांसद गोपाल शेट्टी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में हुई व्हीकल की सबसे अधिक बिक्री, महाराष्ट्र का दूसरा रहा स्थान। एकनाथ शिंदे में हिम्मत है तो इस्तीफा दे, उनके चुनावी क्षेत्र से मैं लड़ूंगा चुनाव, आदित्य ठाकरे ने शिंदे को थाने से ललकारा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पति पत्नी की मौत, बहू बेटे की हालत गंभीर, शादी कर लौट रहा था परिवार। अंधेरी में बनेगी मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मार्केट, दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर होगा नजारा। महाराष्ट्र सीएम बोले, मैं पिता पति के रूप में फेल हुआ, शिंदे के बेटे ने कहा था इनके पास हमारे लिए कभी समय नहीं था। मराठा समुदाय के युवाओं को आईपीएस बनते हुए देखना चाहता हूँ, मनोज जरांगे पाटिल ने व्यक्त की भावना। शिवनेरी किले में 70 पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चीन से आए 11 करोड़ के पटाखे जब्त, नहावा शिवा में कस्टम विभाग ने की कार्रवाई।